Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Geo Entertainment और Seven Sky Entertainment ने एक खातून के साथ बदजबानी पर माफी मांगने तक मुसन्निफ खलील-उर-रहमान कमर के साथ अपना मायदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। Geo Entertainment और Seven Sky Entertainment ने 4 ड्रामा सीरियल्स और एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने के लिए खलील-उर-रहमान कमर से मायदा किया था, जो कि नॉन एक्सक्लूसिव मायदा था, जैसा कि उनका दिगर टीवी चैनल के साथ भी मौजूद है। जियो ने अपने बयान में कहा है कि जियो ख्यालात के तबादले और जियो और जीने दो की पॉलिसी पर यकीन रखता है। हमारा यकीन है कि हर किसी को अपने ख्यालात के इजहार का पूरा हक है और हम समझते हैं कि एक तवाना बहस के कल्चर को फरोग मिलना चाहिए, मगर यह बहस शायस्तगी और किसी की इज्जत के असूलों के साथ होनी चाहिए। खलील-उर-रहमान कमर ने न सिर्फ एक खातून के साथ बदजबानी की, बल्कि अपनी गलती मानने और इस पर माफी मांगने से भी इनकार किया। इसलिए जियो एंटरटेनमेंट की इंतजामिया ने उनके साथ किया जाने वाला मायदा मुअत्तल करने का फैसला किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि जियो बहस मुबासे की हौसला अफजाई करता है, चाहे इसमें खुद जियो पर तनकीद भी क्यों न शामिल हो। याद रहे कि मारूफ मुसन्निफ खलील-उर-रहमान कमर ने गुज़िश्ता दिनों एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक खातून के साथ औरत मार्च के मामले पर बहस के दौरान बदजबानी की थी, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या खलील-उर-रहमान साहब माफ़ी मांगेंगे या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ज़ाया होने देंगे? तो मैं तो खलील-उर-रहमान कमर के हक में हूँ कि उनको किसी लिहाज से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक